दोस्तों अगर आप भी धोनी को महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले में सबसे पहले तो चेन्नई की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा और दुबे का आया तूफान। फिर मैदान पर आकर दिल्ली की टीम ने धोनी के खिलाफ मैच जीतने की कोशिश, तो धोनी ने मात्र अपने एक ऐसे फैसले से पलट कर रख दिया पूरा हारा हुआ मुकाबला। राइली रूसो, अक्षर पटेल तक मैच जिताते जिताते भी घुटने टेकते आए नजर। तो दोस्तों आखिरकार अंतिम ओवर तक की पूरी हाईलाइट दिल्ली चेन्नई के मुकाबले की हम वीडियो में तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि धोनी और वार्नर में से कौन अच्छा कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल का 55वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनकी टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। भले यहां पर विकेट ज्यादा गिर गए, लेकिन फिर भी 20 ओवर में चेन्नई की टीम 167 रन बना पाने में कामयाब हो पाई। और यहां पर चेन्नई को शुरुआत में जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गेंद लहर ऐसी मार रही थी कि मानो हर एक गेंद पर यही लग रहा हो कि बल्लेबाज बस आउट होने के लिए ही मैदान पर आया है। दरअसल हुआ ये था कि जब ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे मैदान पर उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी करना शुरू कर दिया था। यहां पर दोनों बल्लेबाजों के मौके तो कई बन रहे थे आउट हो जाने के, लेकिन इस बीच पहला बड़ा विकेट अक्षर पटेल ने चटकाया डेवन कॉनवे के रूप में। जी हां दोस्तों, फॉर्म में चल रहे डेवन कॉनवे आज के मुकाबले में 13 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। और कॉनवे के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए अजिंक्य रहाणे, जहां अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच साझेदारी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही ऋतुराज गायकवाड़ भी अपना विकेट थमा बैठे। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल के ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 24 रन बनाकर आउट हुए। अब दो बड़े झटके चेन्नई सुपर किंग्स को 49 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। यहां पर अजिंक्य रहाणे और मोइन अली ने मिलकर अच्छी साझेदारी करने की कोशिश तो की, लेकिन दोस्तों मोइन अली को कुलदीप यादव ने चलता किया, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरे शिवम दुबे मात्र 12 गेंद में 25 रन ही बना पाए। अब दोस्तों चेन्नई की टीम की दिक्कतें और भी बढ़ती चली जा रही और ये दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी बीच अजिंक्य रहाणे भी आउट हो जाते हैं 21 रन पर। अब चेन्नई की टीम के 5 विकेट 113 रन के कुल स्कोर पर गिर चुके थे। चेन्नई की टीम काफी दबाव में थी, लेकिन दोस्तों यहां अंबती रायडू और रविंद्र जडेजा ने पारी को संभाला, जहां इस बीच स्कोर 150 रन के पार पहुंचा और अंबती रायडू ने 23 रन बनाए। हालांकि यहां पर रविंद्र जडेजा ने 16 गेंदों में 21 रन की पारी खेली, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने मात्र 9 गेंद में 1 चौके और 2 छक्के की बदौलत 20 रन जड़कर इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 167 रन के स्कोर पर पहुंचाया, वरना तो चेन्नई की टीम 147 पर ही ढेर हो जाती। हालांकि दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स को ये 8 बड़े झटके लग गए थे और 167 रन उन्होंने बना दिए थे। 168 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने था। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की तरफ से आज सबसे ज्यादा 3 विकेट मिचेल मार्श के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट अक्षर पटेल को मिले और 1-1 विकेट कुलदीप यादव, खलील अहमद और ललित यादव को मिला। अब दोस्तों बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की, जहां दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और फिल सॉल्ट ने एक बार फिर से पारी की शुरुआत की, जहां दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी करने की कोशिश तो जारी रखी, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि डेविड वार्नर के रूप में पहला बड़ा झटका दीपक चाहर दे देंगे दिल्ली की टीम को। और यहां पर अजिंक्य रहाणे को कैच थमाकर डेविड वार्नर ने अपना विकेट भी गंवा दिया और 0 रन की पारी पर ही वो पवेलियन लौटे। अब दोस्तों वार्नर के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर आए मिचेल मार्श, जहां मिचेल मार्श और फिल सॉल्ट थोड़ा पिच को समझने की कोशिश कर रहे थे और जान रहे थे कि आखिरकार ये पिच हरकत किस तरह से कर रही है। लेकिन दोस्तों धोनी के दिमाग के आगे इन दोनों की कहां चलने वाली थी। धोनी ने अपना दिमाग लगाते हुए फिल सॉल्ट के खिलाफ ऐसी रणनीति बनाई कि फिल सॉल्ट भी धोनी के जाल में फंस गए। जी हां दोस्तों, दूसरा झटका फिल सॉल्ट के रूप में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लगा और यहां पर फिल सॉल्ट 11 गेंद में 17 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इससे पहले उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका तो लगाया था, लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि पिछले मैच में फॉर्म में आने वाले फिल सॉल्ट आज के मुकाबले में धोनी के खिलाफ ही उनके जाल में फंस जाएंगे। अब दोस्तों फिल सॉल्ट के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मनीष पांडे, जहां मिचेल मार्श और मनीष पांडे ने साझेदारी को संभाल कर रखने की कोशिश तो की, लेकिन दोस्तों अब ये दोनों भी क्या ही कर पाते। यहां पर मनीष पांडे की गलत कॉल की वजह से मिचेल मार्श चलते बने और वो रन आउट अजिंक्य रहाणे द्वारा किए गए। अब दोस्तों मिचेल मार्श के रन आउट हो जाने के बाद वो 5 रन पर ही पवेलियन लौटे, जिसके चलते दिल्ली की टीम को 3 बड़े झटके मात्र 25 रन के कुल स्कोर पर लग चुके थे। यहां दिल्ली की टीम काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मुकाबला अब हाथ से निकलता चला जा रहा था। दिल्ली की टीम जो कि प्रबल दावेदार लग रही थी मुकाबला
मुकाबला जीतने की अब वही टीम एक एक रन की मोहताज हो गई थी। और दोस्तों इसका फायदा चेन्नई सुपर किंग्स ने उठाया, जहां मनीष पांडे और रायली रूसो के बीच 50 रन की साझेदारी तो हो गई थी, लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने का काम मथीसापति राणा ने किया। जी हां, दूसरे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के तुरंत पहले ही महेंद्र सिंह धोनी ने मथीसापति राणा को गेंदबाजी थमाई और वो जानते थे कि इस ओवर में विकेट जरूर मिलेगा। और यहां पर मनीष पांडे 29 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका और दो छक्के भी लगाए। अब दोस्तों मनीष पांडे के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए रिपल पटेल, जहां रिपल पटेल और रायली रूसो ने मिलकर यहां अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोस्तों चेन्नई की टीम का दबदबा काफी ज्यादा हावी था। यहां पर अमान हकीम खान और अक्षर पटेल भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। बाकी अब आप सभी की क्या राय है चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए मुकाबले को देखने के बाद, और आप किस टीम को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे उसके प्रदर्शन के लिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।